हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद प्रेमलता। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ एक मसाले की रेसिपी। वो एक ऐसा मसाला है जो आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। जो सब्जी है आलू दम की सब्जी और किसी सब्जी में, पहले तेल गरम करना है और उसमें अजवाइन जीरा कुछ भी डाल सकते हैं आप अपनी तरफ से। फिर प्याज को डालिएगा स्लाइस करके और प्याज को अच्छी तरह से भुनिएगा पूरा गुलाबी लाल होने तक, और खुशबू आना चाहिए। इस तरह से आप उसको भूनते रहिए, देखिएगा बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और तेल छोड़ने तक भूनिएगा। अब इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालिएगा। ये जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये कम से कम आपको 4 से 5 सब्जी में आसानी से डाला जा सकता है। इसको आप 2-3 दिन के लिए फ्रिज में शेप करके रख सकते हैं। और आप देखिएगा इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और तेल छोड़ने तक ही आपको इसको भूंजना है। और देखिए कितने अच्छी तरह से भूंजा रहा है। और आप भूंजिएगा ज़रूर, और इसमें नमक उतना ही डालिएगा जितना क्वांटिटी होगा, और उससे ज़्यादा मत डालिए क्योंकि इसमें सब्जी में भी तो आप नमक डालेंगे, इसलिए नमक बहुत कम डालिएगा। आप देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुंजा गया। अब इसमें टमाटर डाली हूँ, मैंने इसमें 5 टमाटर डाला है काटे और फिर पीसा है। मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से चिकना पीस लीजिए और पीस के उसको डालिए और भूंजिए। और भूंजिएगा इस तरह से, इसको फ्राई करिएगा जिस तरह से पूरा भूंजे, तेल छोड़ने तक आपको उसको भूंजना है। और देखिए कितना अच्छा से अभी भुंजा रहे हैं। और इसमें नमक ज़रूर डालिएगा क्योंकि नमक डालिएगा तो उसको जल्दी जल्दी अपना फ्राई होने लगेगा। देखिए कितना अच्छा से भुंजा रहा है। मसाले को तेल छोड़ने तक भूनना है। देखिए तेल कितना अच्छी तरह से ये हो रहा है, ऊपर देखिए तेल ये हो गया। और आप जितना मसाला आप डाल रहे हैं 4-5 सब्जी के लायक, आप उसमें मसाला डालिए। और मैंने सब्जी मसाला डाला है एवरेस्ट का, और उसके बाद उसमें 1 चम्मच हल्दी भी डाली है। और उसको अच्छी तरह से भूनते जाना है। भूनना इतना अच्छा से है कि उसका सब्जी का पूरा तेल निकल जाए, ऊपर से पूरा तेल तैरेगा, तब तक आपको इसको भूंजना है। देखिए कितना अच्छा से मैंने उसको मिला रहा है।
और देखिए आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, मिक्स मिक्स पूरी अच्छी तरह से। देखिए तेल छोड़ने तक आपको इसको भूनते रहना है, और जब अच्छी तरह से भून जाएगा तो उसका पता कब चलेगा, जब आप ऊपर से तेल दिखाई दे तब तक आप इसको तल भूनते रहिए। और भूनने के बाद देखिए तैयार हो गया है। अब आप इसको आलू दम की सब्ज़ी में, मटर पनीर की सब्ज़ी में, और चना की सब्ज़ी में, मटर की सब्ज़ी में, काबुली चना की सब्ज़ी में, किसी भी सब्ज़ी में आप इसको डाल के सर्व कर सकते हैं। और देखिएगा 5 सब्जी का मसाला तैयार हो गया अच्छी तरह से। और आप मेरे चैनल को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।